अब ये जो कंटेंट आपको है जिसमें सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख रहे हैं कंपनी के लिए, ये ऑलरेडी मेरे पास नोट्स बने हुए हैं जिनसे मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता रहता हूं, तो इसके लिए स्पेसिफिक पे नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पर्सनल नोट्स थे कोचिंग वाले, उन्हीं को ही हम लोग यहाँ पर यूज़ कर ले रहे हैं। कंपनी के केस में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे पास होता है प्रॉस्पेक्टस। पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाए। देखिए, कंपनी को सपोज करिए कि ये एक कैपिटल की ज़रूरत है, और जो कंपनी के पास कैपिटल है, बेसिक्स थोड़े से बता दें, न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होगी। अब इसको हम लोग बेटा बोलते हैं कैपिटल। तो ये जो कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत है, तो यही कैपिटल की ज़रूरत सोल ट्रेड में भी होती है। सोल ट्रेड में सिंगल पर्सन होता है, तब वहां पर उनको शेयर कैपिटल बोलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और बेसिक पे चले जाते हैं। जब बिजनेस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा बेसिक में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, तो ये कैपिटल की रिक्वायरमेंट किस तरीके से होती है? कैपिटल तो आप सबको पता है कि जो ओनर का फंड बिजनेस में रखता है, दैट्स कॉल्ड कैपिटल होता है। जब हम सोल ट्रेड की बात करते हैं, सोल ट्रेड का मतलब है, खाली सोल लिख दिया तो आप समझ जाइए एसटी सोल ट्रेडर है ये। और जब हम सोल ट्रेड की बात करते हैं, तो इसका मतलब है इस बिजनेस का सिर्फ एक ही ओनर है, ये आपको पता है। पार्टनरशिप आप अभी अभी पढ़ करके आए थे, पार्टनरशिप में अगर आप देखें तो यहाँ पे ओनर मिनिमम आपके पास दो ओनर हो जाते हैं, और इनके बीच में कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट जाती है, बाकी आगे की बात नहीं कर रहे। इन दोनों ही केस में हम लोग वर्ड यूज करते थे कैपिटल और कैपिटल। अब हम बात करने जा रहे हैं कंपनी, यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही कंपनी की बात होगी। तो अब कंपनी के केस में जब कैपिटल की बात होगी, तो यहाँ पे सर कितने लोग होंगे? तो बेटा, जब इस जगह बात हो रही है, तो आपके लेवल के हिसाब से आप ये समझिए कि यहाँ पे बहुत ढेर सारे लोग, मैं पब्लिक कंपनी को ले लेता हूँ, यहाँ पे बहुत ढेर सारे लोग होंगे। तो जब बेटा बहुत ढेर सारे लोग होंगे, तो उनके बीच में कैपिटल, यहाँ तो सर कैपिटल सपोज करिए 1 लाख है, तो एक ने दे दी, एक के बीच 1 लाख है। यहाँ पर अगर 1 लाख है, तो इन दो लोग थे, इन दोनों ने आपस में 50-50,000 कैपिटल दे दी। हाँ सर, ये समझ में आता है कि 50-50,000 इन लोगों ने ईच कर दिया। अब यहाँ पर अगर इतने ढेर सारे लोग हैं, और कितने ढेर सारे लोग हैं, और कैसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसकी बात हो रही है। तो ये जो बेटा जो कैपिटल है कंपनी की, उसको अगर मैं पूरा 1 मानूं, कि कंपनी कैपिटल इतने लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो जब लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो हर एक का अपना अपना एक ना एक हिस्सा होगा। अब वो अपना अपना हिस्सा लेकर के चला जाएगा। तो जब ये हिस्सा होगा, हिंदी में बोला मैंने हिस्सा, उसी को ही इंग्लिश में बोला जाता है शेयर। इंग्लिश में बोलते हैं उसको हम लोग शेयर। शेयर होता कुछ नहीं है, शेयर का मत, शेयर कंपनीज एक्ट 2013 में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। शेयर का मतलब है किसी भी एक आइटम में आपका हिस्सा होना, प्रपोर्शन पे आपका हक होना, उसी को हम बोलते हैं शेयर। तो यहाँ पर जो ये ओवरऑल प्रपोर्शन है, इस प्रपोर्शन का नाम है कैपिटल, क्योंकि हम कंपनी की कैपिटल से रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो कंपनी की कैपिटल में किसी भी एक बंदे का हिस्सा, आप ही किसी एक मिस्टर एक्स को खड़ा कर दिया गया, तो मिस्टर एक्स का इस प्रपोर्शन में जो हिस्सा होगा, उसको इंग्लिश में बोलेंगे शेयर। और जब इसको कंबाइन कर देंगे, तो यहाँ पे जो टर्म चलेगा, डेट्स कॉल्ड शेयर कैपिटल। यही ओनरशिप का नाम सोल ट्रेड में कैपिटल था, मतलब प्रोप्राइटरशिप में। पार्टनरशिप में इसको कहते थे पार्टनर्स कैपिटल, मतलब पार्टनर की कैपिटल थी। और जब हम कंपनी की बात करेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे अब शेयर कैपिटल। तो मैंने आपको इंडिविजुअली कैपिटल भी बता दिया, और इंडिविजुअली शेयर भी बता दिया, और फिर इन दोनों को मैंने क्या किया, जोड़ दिया। तो जोड़ करके एक टर्म बना दिया, डेट्स कॉल्ड द शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल कम से कम आप लोग को समझ में आ गया होगा कि शेयर कैपिटल हमारा एग्जैक्टली होता क्या है। अब ये शेयर कैपिटल जब होगा, तो इसको हम करेंगे क्या? तो समझिए बेटा, कंपनी की थोड़ी सी वर्किंग, ताकि चीजें आप जान सके। कंपनी को सपोज करो कि पैसे की जरूरत है, या तो वो बिजनेस पहली बार स्टार्ट कर रही है, या ऑलरेडी कंपनी जो है वो एग्जिस्टिंग में है। ठीक, ये कंपनी को अगर जरूरत है, तो वो कैपिटल,
मतलब इशू करेगी शेयर्स, तो जो शेयर्स होंगे इसके अंडर में जिन लोग कुछ स्टूडेंट बार बार आ जा रहे हैं क्या क्लास से, अगर किसी का कोई फ्रेंड एडमिट होना चाह रहा हो, अगर रुका हो तो मुझे मैसेज कर दीजिए, क्योंकि मैं क्लास में बिजी हूँ तो दिखता प्रॉपर नहीं यहाँ पर। तो अब अगर यहाँ से आपने समझ लिया कि कंपनी को किस चीज़ की ज़रूरत है, कंपनी को ज़रूरत है कैपिटल की। नहीं नहीं सर, कंपनी को कैपिटल की नहीं ज़रूरत है, कंपनी को ज़रूरत है शेयर कैपिटल की। बिल्कुल ठीक। तो जो ये शेयर कैपिटल है ये जिन लोगों के बीच में आगे डिस्ट्रीब्यूट किया गया होता है उनको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर। जो इस शेयर का मालिक होगा उस शेयर के लिए टर्म यूज़ होगा शेयर होल्डर। तो मैंने आपको शेयर कैपिटल के साथ में एक और टर्म बता दिया, दैट्स कॉल द शेयर होल्डर्स। कुछ हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट्स होंगे वो थोड़ा बोर हो रहे होंगे, मगर क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा समझाना भी ज़रूरी है कि एटलीस्ट वो शेयर होल्डर, शेयर कैपिटल, इन सब टर्मोलॉजी को समझ सके। अच्छा, अब मैं एक और टर्म पे आता हूँ, मतलब सीधे सीधे अमाउंट पे आते हैं, जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं। तो जो हमारे पास 1 लाख अमाउंट है, हमें 1 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो ये 1 लाख किस तरीके से यूज़ हो सकता है उसको देखिए। कंपनी के केस में इसको बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक फेस वैल्यू, ये मैं लिख रहा हूँ तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? यस सर। ओके। यस सर। एक आइटम, एक कंटेंट होता है फेस वैल्यू जिससे हमको समझना है, और दूसरा इसका कंटेंट होता है नंबर ऑफ शेयर्स, हिस्सा, मतलब कितने हिस्से इसके लगेंगे, कितने शेयर्स होंगे। तो जितने शेयर्स होंगे अब उसकी बात होती है, SHARE, स्पेलिंग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, ये कंपनी के केस में आपको बेनिफिट मिलता है। सर ये कैसे मिलता है, तो सुनिए सुनिए, अगर हम एक शेयर, हिस्सा बताया था ना कि एक टुकड़ा एक हिस्सा, अगर हम एक हिस्से को बेचते हैं कितने रुपए में, 10 रुपीज में, अगर हम एक हिस्से को 10 रुपीज में बेटा बेचते हैं तो इसका मतलब है 1 लाख होने के लिए हमको इसके कितने शेयर करने पड़ेंगे, कितने हिस्से करने पड़ेंगे, 10,000 हमको इसके हिस्से करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि 10,000 शेयर अगर 10 से मल्टीप्लाई करो 1 लाख बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस सर। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि अब हमने एक हिस्से, एक शेयर जो एक टुकड़ा है उसको 100 रुपए का कहा, तो अगर हमने 100 रुपए का कहा तो इसका मतलब अब हमें 1,000 शेयर करने पड़ेंगे कि नहीं, 1,000 हिस्से हम करेंगे तो 1,000 पोर्शन जब हम डिवाइड करेंगे 100 रुपीज में, इन दैट कंडीशन वी विल आल्सो गेट अ रुपीज 1 लाख। यस सर। यस सर। देन अनदर थिंग, हमारे पास अब एक ऑप्शन है कि हम एक हिस्से को और महंगा कर दें और 1,000 कर दें, तो अगर हम 1,000 कर दें तो इस हालत में अब हमें जो जरूरत होगी वो सिर्फ 100 शेयर्स की जरूरत होगी कि नहीं होगी? यस सर। तो बेटा इसको ही कॉम्बिनेशन बोलते हैं, इसी को ही फेस वैल्यू बोलते हैं। तो ये फेस वैल्यू हुआ जिसको आप देख रहे हैं, एक फेस वैल्यू ये हो गया 100 रुपीज का जो आपने देखा ब्लू कलर में है, उसके ऊपर 10 रुपीज है, उसके नीचे 1,000 रुपीज है। तो सर कंपनी क्या कोई भी फेस वैल्यू कर सकती है? यस, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने फेस वैल्यू पे वो काम करना चाह रही है, मगर इसका सर बेनिफिट भी तो होता होगा कुछ। समझो क्या बेनिफिट है, समझिएगा, हाँ बहुत ध्यान समझिएगा। जब हम बेटा 10 रुपीज का करेंगे, तो जब हम 10 रुपीज में करेंगे तो इसका मतलब है कि इनके पास नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा होंगे। हाँ सर, 10,000 देखिए नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा है, तो इस कंडीशन में हम गरीब से गरीब लोगों तक भी पहुंच जाएंगे और हमारी कवरेज ज्यादा से ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा फेस वैल्यू को आप कम करेंगे उतना ज्यादा आप एरिया कवर करेंगे, समझ गए? आप जितनी ज्यादा फेस वैल्यू करते चले जाएंगे मतलब महंगा करते चले जाएंगे, समझिएगा समझिएगा इस बात को, महंगा करने का मतलब एक 5-स्टार होटल है, तो बेटा 5-स्टार होटल में जो कस्टमर होते हैं उनकी ज्यादा भीड़ आपको दिखाई देती है चाय पीने वालों की, या चाय के होटल पे जो चौराहे पर होता है वहां पे आपको ज्यादा भीड़ दिखाई देगी। वहां मैंने इंग्लिश में लिखा और यहाँ मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, चाय वाला होटल, भीड़ कहाँ ज्यादा होगी?
चाय वाले होटल पे, चाय वाले होटल पे जहाँ पे चीजें सस्ती चाय हैं, वाले होटल, तो जहाँ पर चीजें चाय वाला होटल। सस्ती हैं वहां पर जो है भीड़ ज्यादा होगी। और इसी तरीके से कॉन्सेप्ट शेयर का है, शेयर वहां पर बहुत कम होते हैं जहां पर फेस वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, और जहां फेस वैल्यू कम होगी वहां नंबर ऑफ शेयर्स आपके ज्यादा होंगे। तो ये बेसिक आपका अब इंट्रोडक्शन हो गया। अच्छा सर, ये तो बात ठीक है, हम समझ गए, इंट्रोडक्शन हो गया। अब आगे हमें कैसे पता चलेगा कंपनी शेयर दे रही है? तो देखिए, कंपनी को 1 लाख रुपीज की जरूरत थी। मैं फिर वहीं वापस पहुंचता हूं, तो जब कंपनी को 1 लाख रुपीज की जरूरत थी और ये आप हैं, अब समस्या ये है कि कंपनी को 1 लाख रुपए की जरूरत है, छोटा ही अमाउंट रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, ये आपकी कंडीशन है। अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि इस कंपनी में आप क्या करें, शेयरिंग कर लें। तो अब कंपनी को रुपए की जरूरत है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा? सर, हम रात में सोएंगे, भगवान आएंगे, दर्शन देंगे और हमको पता चल जाएगा, और दूसरे दिन सुबह हम कंपनी का दरवाजा खटखटाएंगे और हमें कंपनी शेयर दे देगी। ये पॉसिबल है? नहीं है। तो इसके लिए कंपनी आपको बताती है, जब कंपनी आपको इंफॉर्मेशन देगी, क्या देगी? कंपनी इंफॉर्मेशन देगी। जब आपको ये इंफॉर्मेशन देगी तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ हाँ ये फलाना फलाना कंपनी शेयर इशू करना चाह रही है, तो इसके अगेंस्ट में फिर आप कंपनी के पास तक जाएंगे। तो कहने का पुरानी मतलब, कंपनी। यस, क्या कह रहे हैं? ये कितनी बातें होंगी सब बेटा रिकॉर्डिंग पे हैं। ये होगा क्या कि किसी दूसरे स्टूडेंट को जो नया होगा, समझने वाला होगा, उसको दिक्कत हो जाएगी। बेसिक्स बता रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। अच्छा, अब यहाँ वापस आता हूँ। अब इसको जब कंपनी में जा करके ही शेयर मिलने हैं, तो कंपनी पहले इसको इंफॉर्मेशन देगी। तो जब कंपनी इसको बेटा इंफॉर्मेशन देगी, तो ये इंफॉर्मेशन किस किस तरीके से हो सकती है वो थ्योरी का अलग अलग बात है। तो इसको इंफॉर्मेशन नोटिस के भी बेस पर मिल सकती है, रिटर्न फॉर्म पे ये मिलेगा। तो जो इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसी इंफॉर्मेशन को टेक्निकल टर्म में समझिएगा, इंफॉर्मेशन, अच्छा किसी दोस्त का मैरिज होने वाला, अब आपके दोस्त की बर्थडे पार्टी होगी या किसी उनके बड़े भाई की मैरिज होने वाली है, तो उस हालत में आप तक का इंफॉर्मेशन कार्ड से आती है कि नहीं आती है? तो ये कार्ड से जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो जब कंपनी आपको इस तरीके के कार्ड से इंफॉर्मेशन देती है, तो उसका नाम होता है प्रॉस्पेक्टस। यहाँ से टॉपिक आपका अब स्टार्ट होता है। पहला मैंने आपको टेक्निकल इंट्रोडक्शन दिया, प्रॉस्पेक्टस। अब स्टोरी हो गई, स्टोरी के बाद प्रॉस्पेक्टस है कि आपको कंपनी ने इंफॉर्मेशन दी कि हम शेयर इशू करना चाह रहे हैं, डेट्स अ कॉल प्रॉस्पेक्टस। बताइए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत प्रॉस्पेक्टस को लेकर के? नो सर। अच्छा, नो सर। अभी हम प्रिलिमिनरी नो एक्सपर्ट सर। पे नहीं जा रहे हैं, एक छोड़ रहे हैं, फिर अगली क्लास बताएंगे, क्योंकि थोड़ा टॉपिक कवर करना है। फिर मैंने आपको कैपिटल बताया, कैपिटल मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू इन द केस ऑफ कंपनी मनी। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो जो बच्चों को पढ़ना होगा वो इसको रिवाइंड करके पढ़ के देख लीजिएगा। फिर मैंने आपको शेयर कैपिटल बता दिया कि शेयर कैपिटल क्या होगा, किस तरीके से शेयर एडजस्ट किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल की, इशूड कैपिटल की और सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। ये तीन मैंने आपको बताए, अब हम बात करेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल की और इशूड कैपिटल की। तो पहले ऑथराइज्ड कैपिटल समझिए, फिर इशूड कैपिटल को समझिएगा। कंपनी जब कैपिटल इशू करे, सपोज करिए कि कंपनी एक्स वाई जेड है, उसने क्या किया कि कैपिटल इशू कर ली। जैसे ही कंपनी एक्स वाई जेड ने कैपिटल को इशू किया और पैसे आपसे लिए, आपने पैसे लगाए, 10-10 रुपए के पैसे थे, फेस वैल्यू 10-10 रुपीज थी। तो गरीबों का जैसे ही इसको पैसा मिला, और ये पैसा एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं 1 करोड़ कर देते हैं, तो ये 10 करोड़ कर देते हैं, 10 करोड़ इसने इकट्ठा किया। और गरीब थे यहाँ पे सारे, ढेर ढेर सारे लोग थे, ये ढेर 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 सारे लोग हैं, आम जनता है, 10-10 रुपए के हिसाब से मनी इकट्ठा कर ली इन सब से। कितनी इकट्ठा कर ली? 10 करोड़ कर ली। और इस एक्स वाई जेड ने 10 करोड़ इकट्ठा किए और फिर उसके बाद ये अब्रॉड भाग गए। तो अब जैसे ही ये अब्रॉड भाग जाएगा, तो आप देखिए इस जगह इन सब पब्लिक को नुकसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस पब्लिक का पैसा चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो पब्लिक की सेफ्टी करना किसका काम है? पब्लिक की सेफ्टी करना गवर्नमेंट का काम है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस जगह पर शेयर इशू करने से पहले आपको चेक करेगी, देखेगी आपकी कैपेसिटी, देखेगी फिर अथॉरिटी देगी, क्या 10 करोड़ क्या तुम शेयर इशू करने लायक हो भी या नहीं हो। ओके,
यस सर ओके यस सर देन अब जब कंपनी की कैपेसिटी चेक करेगी गवर्नमेंट, तो अपने आप डायरेक्ट तौर से गवर्नमेंट जा नहीं सकती, तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिसर्स बैठे होते हैं, तो ऑफिसर जो है उनको बोला जाता है रजिस्ट्रार, और ये रजिस्ट्रार किसके होते हैं, कंपनी के होते हैं, तो उनको बोलते हैं आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी हर स्टेट के लिए होते हैं, लखनऊ ये उत्तर प्रदेश के अंदर ये ऑफिस है कानपुर में, कहाँ है ऑफिस, कानपुर में आरओसी का। तो जो कानपुर में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, अगर उत्तर प्रदेश में काम करना है तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन देनी होती है कि हम शेयर इशू कर रहे हैं, और फिर आपको इस जगह से परमिशन लेनी होगी, और जो परमिशन मिलेगी, जो परमिशन आपको मिलेगी, ठीक है आप इतने शेयर्स के लिए इशू करिए, आप कहते हैं कि हम 2 करोड़ के लिए इशू करेंगे, तो परमिशन 2 करोड़ के अकॉर्डिंग तभी मिलेगी जब आप 2 करोड़ की हैसियत दिखा पाएंगे। तो कपोज करिए कि आपने बता दिया कि हम जो 2 करोड़ का इशू करना चाहते हैं, तो कंपनी आपको अथॉरिटी दे देगी, ठीक है आप इशू कर लीजिए। तो जितने के लिए आपको परमिशन मिली है उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो जितने के लिए आपको अथोराइज्ड कर दिया गया कि ठीक है आप रजिस्टर्ड हैं, आप इतना इशू कर सकते हैं, करेंगे कितना इज द अनदर फैक्टर, यहाँ कितना है अथोराइज्ड की बात है। तो आप इतना अथोराइज्ड हैं, इतने को आप इशू कर सकते हैं, उसी के लिए टेक्निकल टर्म होता है अथोराइज्ड कैपिटल। और इस अथोराइज्ड कैपिटल को हम लोग दूसरे टर्म में बोलते हैं नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड। मैंने बोला था ना कि रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, तो ये बेटा रजिस्टर्ड कैपिटल है। यस सर, नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं। यस सर, इट इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी कैन इशू, इट इज स्टेटेड मेमोरेंडम एसोसिएशन। जो नए बच्चों कहेंगे सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, अभी आगे चल के बताएंगे, बस तुम इतना ध्यान रखो कि ये इसका लीगल डॉक्यूमेंट्स है, उसमें ये चीज मेंशन होती है। अब आप इस जगह थोड़ा एक और बताता हूं टर्म स्टोरी लेकर के, बोरियत न बच्चों को ना हो, पुराने वालों को तो फर्स्ट केस में थोड़ा चलो कम से कम रिवीजन हो जाएगा। ये एक स्टोरी मैं यहाँ पर सिंपल सी ले रहा हूँ, इस सिंपल सी स्टोरी में मैं किसी एक स्टूडेंट को ले लेता हूँ, इसमें क्लास में कोई एक स्टूडेंट, जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पर किसको ले लें, किसका नाम, राहुल, रजनीश, रोहित, नंबर 1 पे नाम आ रहा है इसमें तान्या बिस्ट का। तान्या बिस्ट क्लास में है, नहीं भाग्य खराब है, नाम नोट कर लो तान्या का, बाद में पूछेंगे कि नाम लिया था तुम कहाँ थी, रिकॉर्डिंग में रहेगा तो याद रहेगा तान्या बिस्ट। बाकी कौन स्टूडेंट क्लास में नाम बताइए, मैं नाम नोट कर लूंगा यहाँ पर, इसीलिए रिकॉर्डिंग में रहेगा, तान्या बिस्ट को ढूंढा था, एबसेंट थी। हाँ सर मैं हूँ। है तान्या? हेलो, अच्छा आ गई आवाज। तो अब यहाँ पर तान्या है, तो जब तान्या की बात हो रही है तो एक स्टोरी मैं लेता हूँ। तान्या आपको स्टोरी में ले रहे हैं, कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा तो देखिए अब क्या है कि इनको तान्या को करनी है अपनी बर्थडे पार्टी। अब अगर इन्हें अपनी बर्थडे पार्टी करनी है तो ऑब्वियस आप सब भी अपने बारे में इसको इस तरीके सोच सकते हैं, अगर आपको अपनी बर्थडे पार्टी करनी है तो आप सब लोग पैसे तो कमाते नहीं है, तो आप कोई कमाता होगा बात अलग है, तो आपको इसके लिए पैसा कहीं ना कहीं से लेना होगा, तो आप अपने गार्जियन अपनी फैमिली से ये पैसा लेते हैं, हाँ या नहीं बोलिए, यस और नो? यस सर। तो या तो आप फादर से लेंगे, या तो आप मदर से लेंगे, या तो आप अपनी फैमिली के किसी ना किसी बंदे से आप ले लेंगे, ठीक है। और जो भी आपका गार्जियन है जो आपको दे रहा है, तो आप कहीं बाहर जाके पार्टी करना चाहते हैं, आप उनको बताएंगे तो आप कहेंगे पैसा दे दीजिए, तो पूछेंगे भाई कहाँ पार्टी करना चाहते हो, कितने लोग हैं, तो ये सब आपको बताना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपने काउंट किया, तान्या कितने लोगों के लिए पैसा आप लेना चाहेंगे? 50-40। तो इन्होंने जो है 14 लोगों के लिए जो है वो बजट किया कि हम बर्थडे पार्टी करेंगे और 14 लोगों के लिए हम पैसे ले लेंगे, इनके गार्जियन ने इनको 14 लोगों का पैसा दे दिया, करेक्ट। इसके थोड़ी देर बाद 4-5 घंटे बीत गए, ये कॉलेज आई और कॉलेज से लौट करके गई, तो फिर इनको एहसास हुआ कि अरे ये 40 नहीं, ये बर्थडे करते करते 30 लोग बढ़ हो जाएंगे, प्लस होकर के 30 हो जाएंगे,
और जब ये 30 हो जाएंगे तो अगर हम होटल ने पैसा नहीं दे पाए ब्रज की रसोई में जा करके तो बर्तन ही हमको साफ करने पड़ेंगे। तो अब इस जगह जी क्या करेंगी, अपने गार्जियन को वापस जाके बताएंगी नहीं 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 हमको जो है 30 के लिए पैसा चाहिए। पहली बार जब पैसे लिए होंगे तो कितनी टेंशन हुई होगी आप लोग खुद बेहतर समझ लीजिए। दोबारा फिर जा करके 30 के लिए पैसे और लेना, बजट को अप्रूव कराना, थोड़ा टिपिकल काम होगा कि नहीं होगा? चलिए बहरहाल 30 के लिए, 30 के लिए इन्होंने जो है पैसे ले लिए, बजट पे इनको 30 का पैसा मिल गया। इसके बाद जो है इवनिंग तक का जब ये अपने घर पे पहुंची तब तक का इनके और दोस्त थे जो कॉलोनी, अच्छा हमको नहीं बुलाओगे ये बात है, होते होते ये कितने पहुंच गए 55। अब देखिए इनका वही फिर से सेम प्रॉब्लम कि 30 था और 30 से 55 हो गया, अब फिर से क्या बर्तन साफ करवाने पड़ेंगे? तो अगेन ये क्या करेंगे, फिर से इनके पास जाएंगे, पहली बार जा करके मांगा बजट अप्रूव कराया, टेंशन ली, तिबारा फिर गए बजट अप्रूव कराने के लिए। और खुदा ना खास्ता जब इन्होंने इस तरीके से पार्टी करी और पार्टी करने पर हर एक का दोस्त आ गया और ये पहुंच गया जा करके बजट कितना 75 का। आप बताइए 75 के वर्क होते होते पैसे की प्रॉब्लम आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बजटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी नहीं आ जाएगी? यस सर। और फिर ये रात में होटल में बैठी हुई है, रात का 12 बज गया, अब गार्जियन पूछ रहे हैं भैया रात हो गई पार्टी तुम्हारी कब होगी, तो इनके दोस्त कहेंगे कि कौन सा एक गाना था 4 बज गए मगर पार्टी अभी बाकी है, ऐसा कोई गाना था कि नहीं? यस सर। तो अभी पार्टी बाकी है। अब देखो एक स्टोरी मैंने बताई कि इन्होंने अपने गार्जियन को रात में 12 बजे तक परेशान किया पैसे के लिए और खुद भी परेशान हुई और 75 लोगों का फाइनल इन्होंने इस तरह बजट बना कर दिया। दिस इज द एक ही सिंपल स्टोरी थी और 4 बार जाके डिस्टर्ब किया। तो ये हमने तान्या को लिया था, कोई तान्या की दोस्त क्लास में है? पलक शुक्ला। तो सेकंड केस पलक शुक्ला का आया, पलक शुक्ला ने ये सब प्रॉब्लम देख ली, तो जैसे ही उसने प्रॉब्लम देख ली तो वो तुरंत अपनी फैमिली में गई, वो समझदारी उसने क्या दिखाई कि ऐसा करिए हमें 100 लोगों के लिए बजट दे दीजिए। तो ये तान्या ने कहा पागल हो क्या, कैसे कह रखोगे सर, वो 100 ऐसे गुस्से बोलते है ना, 100 कहाँ होंगे, मुश्किल से 70 लोग, 100 का बजट ले रही हो। तो पलक ने कहा नहीं, 100 का हम बजट ले रहे हैं, 100 के ही हम मनी ले रहे हैं, बुलाएंगे हम इसमें से सिर्फ वो अच्छे अच्छे लोगों को, वो नहीं जो रात में नौटंकी गंदगी कर रहे थे फेंक रहे थे खाना वाना, हम सिर्फ 35 लोगों को ही बुलाएंगे हम 35 को, मगर हम जो है अप्रूव करा ले रहे हैं कितने के लिए, 100 के लिए। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि अगर 35 के बाद मान लो 5 और बढ़ाने पड़े तो क्या पलक को अपनी फैमिली से बार बार जाकर पैसा लेना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा? नहीं, नो सर। अगर 50 हो गए तो वापस अपने गार्जियन के पास जाना पड़ेगा? 80 हो गए तो क्या जाना पड़ेगा? नहीं। तो 90 हो गए तो भी नहीं जाना पड़ेगा? तो किसने अपनी फैमिली से अपने लिए अप्रूव्ड करवा लिया, अपने लिए इसने जो है अप्रूव्ड करवा लिया कितना, उसी को बोलते हैं ऑथराइज्ड। इसको इसकी फैमिली ने ऑथराइज्ड कर दिया, बेटा आप रात के 12 बजे तक पार्टी कर लीजिए, हम आपको नहीं टेंशन लेंगे, 100 लोगों का आपका बजट है। अब ये डिपेंड इसके ऊपर करता है कि ये अपनी पार्टी में बुलाती कितने लोगों को है। ओके यस सर। अब आपने यहाँ बेनिफिट ये समझ लिया कि अगर हम पहले से परमिशन ले लें तो हमें बार बार दौड़ना नहीं पड़ता। सेम थिंग आ जाइए स्टोरी से वापस क्वेश्चन पे जो बताना चाह रहा हूँ, यही सेम थिंग ऑथराइज्ड कैपिटल है। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब है कि कंपनी ने आरओसी के पास जाकर, कंपनी का फैमिली हेड कौन होता है, आरओसी होता है, आरओसी के पास जाकर अथॉरिटी ले ली कि हम इतनी कैपिटल इशू करना चाहते हैं और उन्होंने कह दिया ठीक है तुम 10 करोड़ तक का इशू कर लो। जैसे अभी अभी इसने 100 मेंबर्स के लिए बजट पास कराया था, उसी तरह आरओसी से कंपनी जा करके अपना परमिशन ले लेती और ये परमिशन कितने के लिए ले ली, 10 करोड़ के लिए ले ली। तो ये बेटा अप्रूवल हो गया कि 100 मेंबर्स को जैसे बुलाना है, दैट्स कॉल्ड द ऑथराइज्ड कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल का सिर्फ इतना सा मतलब है कि बार बार आपको दौड़ के नहीं जाना, आपके पास परमिशन हो गई, अब मर्जी आपकी कि आप बर्थडे पार्टी में किसको बुलाएं,
लिसन लिसन, बहुत फोकस दे के नए स्टूडेंट ध्यान दे लीजिएगा। बर्थडे पार्टी में जितनों को बुलाया वो आपकी मर्जी के ऊपर है, उसी को इशू ऑफ शेयर कैपिटल में बोला जाएगा इशू कैपिटल। तो जो इशूड कैपिटल है ये कंपनी के अपनी मर्जी के ऊपर है, उनके पास अथॉरिटी 10 करोड़ की है। अब वो अगर चाहें इसमें से इशू करना तो वो उनके ऊपर है कि वो इसमें से कितना इशू करना चाहते हैं। सपोज करिए कि उनके पास अथॉरिटी जो है वो 10 करोड़ की थी, तो 10 करोड़ मैं समझता हूँ आप समझ गए कि दिस इज द ऑथराइज्ड कैपिटल 10 करोड़, और अब वो इसमें से इशू मान लो सिर्फ करना चाहते हैं 2 करोड़, तो अब ये उनके ऊपर है कि अब वो 2 करोड़ को ही खाली इशू करें। ओके क्लास, बताइए कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो आप कहेंगे कि सर जय जराम से, तो अब यहाँ पर जो है 2 करोड़ जो है वो इसने आ गए, तो इसी तरह पार्टी में उसकी मर्जी है कि परमिशन ज्यादा से ले लिया था, और परमिशन ज्यादा लेने के बाद में कम को बुलाया जा सकता है, तो इन्होंने कम को अपना बुला लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप ऑथराइज्ड और इशूड में समझ गए, जब जब दोबारा इन्हें इशू करना पड़ेगा तो क्या परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी? नो सर। नहीं सर। अच्छा अब एक थोड़ा सा बस ला जरा सी बात और समझिए, क्या नाम बोला था बच्ची ने, तान्या बोला था, क्या नाम बोला था, भूल गया। यस सर। हाँ, तो इसने पार्टी के लिए परमिशन ली थी, वो 100 लोगों के लिए ली थी, इतने की परमिशन थी, परमिशन ग्रांटेड। ओके ओके। यस सर। इसने जो पार्टी में कॉल किया था, जो अपनी बर्थडे पार्टी में कॉल किया, उसने 40 लोगों को कॉल किया। ओके अब इसके बाद में yes, पार्टी में क्योंकि कोरोना का पीरियड चल रहा था, पार्टी में आए कितने? 15 आए। तो पार्टी में जो कमिंग थे, जो कमिंग वाले थे जिनको ने एंट्री ली, वो सिर्फ 15 थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? yes, sir. तो सेम थिंग सेम थिंग, नए स्टूडेंट ध्यान से देखें, जो 100 जिसके लिए परमिशन ली थी उसको बोलेंगे हम ऑथराइज्ड कैपिटल, और जितने को पार्टी के लिए बुलाया था उनको हम बोलेंगे इशूड कैपिटल कि हमने इतना इशू कर लिया, और उसके बाद में हमारी पार्टी में आए कितने उनको हम बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। ओके यस सर। मैंने बहुत बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाया है कि ऑथराइज्ड इशूड और सब्सक्राइब में समझ जाइए। तो जो सब्सक्राइब्ड हैं सर वो क्या हमेशा कमी लोग आएंगे? नहीं बेटा, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आप इशूड कैपिटल तो आप समझ गए जितनों को आपने बुलाया, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं कि आपने 40 लोगों को मान लीजिए बुलाया था, तो हम 40 को बुलाया था उनको हम इशूड कैपिटल की कैटेगरी में रख लेते हैं। तो जब आपने 40 लोगों को बुलाया तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि 40 लोगों को बुलाया और 40 लोग ही पार्टी में आ जाएं। दूसरा ऑप्शन हो सकता है 40 लोगों को बुलाया मगर आपकी मोहब्बत में 70 लोग आ जाएं, ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस सर। इसी तरीके से ये भी हो सकता है 40 लोग को बुलाया मगर सिर्फ 15 लोग ही आए, ये 3 कंडीशन निकल करके आ जाती हैं आपके सामने। तो बेटा जिस समय जितनों को बुलवाया उतने लोग आपके पास चले आए, मतलब जितनों को इशू किया उन्होंने सब्सक्राइब्ड कर दिया, तो इसका टेक्निकल शब्द होता है, इसका टेक्निकल शब्द होता है दिखाई दे रहा हो पढ़ के बोल दो, फुल्ली सब्सक्राइब्ड। इसको बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ठीक है। दूसरा, जितने लोगों को बुलाया था उससे अगर कम लोग आ जाते हैं तो उसका टेक्निकल टर्म होता है अंडर सब्सक्राइब्ड। बहुत सही, मतलब मुझे लिखना आता है, थोड़ा बहुत लिखा हुआ तुम लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसी के बाद में तीसरी फॉर्म भी तो हो सकता है कि जितनों को बुलाया था उससे ज्यादा मोहब्बत में लोग चले आए, तो ओवर रिएक्ट हो गए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्राइब्ड। तो यहाँ पर जो नए बच्चे कोई हैं क्लास में, समझ रहे हैं ना, ओवर सब्सक्राइब्ड, अंडर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली सब्सक्राइब्ड? यस सर। मैंने बहुत मेहनत से आपको कवर करते हुए बताया कि पुराने वालों को रिवीजन हो जाए और नए बच्चे पहले ही बार में समझ जाएं कि फुल्ली सब्सक्राइब्ड भी एक टर्म आएगा जो हमको पढ़ना है, ओवर सब्सक्राइब्ड एक टर्म आएगा हमको पढ़ना है, अंडर सब्सक्राइब्ड भी एक टर्म आएगा हमको पढ़ना है। क्लियर?
एक और ध्यान से सुनिए, जहां मैंने स्टार्टिंग करी थी वहां पे मैंने आपको बताया था कि शेयर कैपिटल को हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक होता है नंबर ऑफ शेयर्स और दूसरा होता है फेस वैल्यू। तो जब हम नंबर ऑफ शेयर्स के बेस पर यह पूरी स्टोरी को देखेंगे तो ये तीन शब्द का जन्म होगा, अंडर सब्सक्राइब, फुल्ली सब्सक्राइब और ओवर सब्सक्राइब। ओके यस सर। तो सर क्या इसका मतलब है कि जो नए लोग हैं वो इसको रिवाइंड करके एक बार जरूर देख लीजिएगा तो आपको और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब है, बहुत ध्यान समझिएगा, कि जब हम नंबर ऑफ शेयर्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स की वजह से जिसका जन्म होता है वो है अंडर सब्सक्राइब्ड, नंबर ऑफ शेयर की वजह से वो है फुल्ली सब्सक्राइब, नंबर ऑफ शेयर की वजह से वो है ओवर सब्सक्राइब। नंबर ऑफ शेयर मैंने बार बार इसीलिए बोला, फुल्ली सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब एंड ओवर सब्सक्राइब। और स्टार्टिंग जहां से मैंने शुरू करी थी उसी जगह आपको मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड करके बोला था, एक बोला था नंबर ऑफ शेयर्स कि नंबर ऑफ शेयर्स होंगे जैसे बढ़ा सकते थे, रिवाइंड करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, जब आपका 10,000 शेयर्स थे, 1,000 शेयर्स थे और 100 शेयर्स थे। और दूसरा मैंने इसी तरफ एक टर्म लिखा था, दैट्स कॉल्ड द फेस वैल्यू। ओके याद आ रहा है, फेस वैल्यू जो है ये रुपए से रिलेटेड है, ये अमाउंट से रिलेटेड है, ये तुम्हारे रुपीज से रिलेटेड है, वो नंबर से रिलेटेड है। तो जब बेटा हम फेस वैल्यू की बात करते हैं तो मान लेते हैं कि फेस वैल्यू 10 रुपए रख लिया, ये हमने 10 रुपए रख लिया। तो इसी तरीके से जितने लोग हमारे पास अप्लाई कर रहे हैं वो हमें 10 के बराबर 10 रुपए दे सकते हैं, मतलब हमने 10 रुपए मांगे थे और वो हमको 10 ही उसके बदौलत दे रहे हैं, तो 10 के बदौलत 10 दे रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो लोग हमें 10 से ज्यादा पैसे भी दे रहे हो, मतलब वो हमको 10 की जगह 12 रुपए दे रहे हो, मतलब 2 रुपए बढ़ा करके दे रहे हो। इसी तरीके से कुछ लोग हो सकते हैं कि जो वो 10 की जगह हमको 2 रुपए कम करके दे रहे हो, 8 रुपए करके दे रहे हो। ओके यस सर। तो जब रुपीज की हम बात करते हैं तो 10 पे अगर 10 रुपए ही हमको मिल रहे हैं तो इसका टेक्निकल टर्म बनता है पार, इसका टेक्निकल टर्म बनता है डेट्स कॉल पार। और जब इस तरीके से जब ज्यादा मिलते हैं तो उसकी बात होती है प्रीमियम, और जब इस तरीके से कम अगर हमको मिलते हैं रुपए, रुपए की बात होगी नंबर्स की नहीं, तो इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। तो मैंने आपको यहाँ पर तीन टर्मोलॉजी बता दी। एक बात ध्यान रखिएगा कि डिस्काउंट जो है अब वो टर्म जो है वो खत्म कर दिया गया है, तो डिस्काउंट बस आप थ्योरेटिकल समझ लीजिए, प्रैक्टिकली इसकी बात नहीं आएगी। तो बस फटाफट एक रिवीजन कर देते हैं। रिवीजन होने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये मैं आपको सेम इसी क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग आधे एक घंटे बाद दे दूंगा, आपके ग्रुप पे ये आ जाएगी। तो जो स्टूडेंट इसको एक बार देखें उनको अगर ये अच्छी लगती है, ठीक लगती है, तो कम से कम वो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी तो हर वीडियो वाला बोलता है शेयर सब्सक्राइब ये और वो अलग फैक्टर है, कमेंट करने से रहता है कि मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहेगा, अगली बार मैं और डेप्थ से बताऊंगा। जल्दी से एक रिवीजन कराता हूं। रिवीजन कराने पर देखिए क्या है कि हमारे पास जो क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स था। तो जब बेटा मैं नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहा हूं, जब हम नंबर ऑफ शेयर्स की बात करेंगे तो इसके लिए मैंने तीन टर्म आपको बता दिए। एक टर्म आपको बताया FS, मतलब फुल्ली सब्सक्राइब्ड, जितने शेयर्स थे उतने ही शेयर्स अगर हमको नंबर ऑफ शेयर आए तो वो कहेंगे फुल्ली सब्सक्राइब्ड, उससे ज्यादा आ गए तो हम बोलेंगे ओवर सब्सक्राइब्ड, उससे कम अगर शेयर आए तो उसको हम बोलेंगे अंडर सब्सक्राइब्ड। ध्यान दीजिएगा, ओवर सब्सक्राइब्ड, फुल्ली सब्सक्राइब्ड और अंडर सब्सक्राइब्ड ये नंबर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और इनका रुपए मतलब रुपीज से कोई लेना देना नहीं है। तो पहले आप नंबर ऑफ शेयर्स देखेंगे, बाद में मल्टीप्लाई करके रुपीज आएगा, अदर फैक्टर है, मगर समझने के लिए जो नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा अप्लाई हो जाते हैं, मतलब पार्टी में हमने बुलाया जितने लोगों था उससे ज्यादा आ जाते हैं, मतलब जो इशूड कैपिटल थी उससे ज्यादा अगर कैपिटल आ जाती है तो उसको हम बोलेंगे ओवर सब्सक्राइब, इशूड कैपिटल के बराबर आती है तो फुल्ली सब्सक्राइब, इशूड कैपिटल से कम आती है तो बोलेंगे अंडर सब्सक्राइब। अब हम रुपए पर आ जाते हैं, अमाउंट पर। अमाउंट के केस से अगर हम बात करेंगे तो हम उसको बोलेंगे फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू हमने अगर रेज्यूम कर ली 10, तो जो फेस वैल्यू 10 है उसके इक्वल अगर आ जाता है, 10 मांगे थे 10 ही मिल गए, तो उसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे टेक्निकल टर्म में बेटा, पार। और अगर उससे ज्यादा हमको 2 रुपए बढ़कर 4 रुपए जो भी फेस वैल्यू है 10 रुपए जैसे थी उससे बढ़कर अगर पैसा मिलता है तो उसका टेक्निकल टर्म होता है प्रीमियम, और अगर कम मिलता है तो उसका टेक्निकल टर्म होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट अब आपके कोर्ट में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बस थ्योरेटिकल था इसलिए मैंने आपको बताया।
तो आज आपने टोटल समझ लिया कि कैपिटल क्या होती है, शेयर कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल क्या होती है, ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल, ओवर अंडर अलग अलग नाम। तो ये इंट्रोडक्शन था। अगली क्लास और जबरदस्त होगी, उसमें इसी का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पूरे टर्म्स आपको बताएंगे। ओके क्लास? यस सर। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।